आज निकला हूँ मैं, काफ़ी अरसे के बाद निकला हूँ जॉगिंग और रनिंग करने के लिए। दरमियान में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो तब मैं तकरीबन डेली बेसिस पे 9 किलोमीटर तक की वॉक कर रहा था, लेकिन फिर रमज़ान आ गया, उसकी वजह से सब जो चीज़ें थी वो डिस्टर्ब हो गई। लेकिन अभी जो है वो कल से दोबारा स्टार्ट किया है। कल थोड़ी सी रनिंग भी की थी, थोड़ी सी वॉक भी की थी, तो आई होप कि आज का दिन जो है वो कल की जो थोड़ी बहुत बॉडी पेन्स थे उसकी वजह से आज का दिन जो है वो उससे थोड़ा बेहतर होगा। बाकी काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम है, और वर्क फ्रॉम होम ने बिल्कुल आप कह लें कि सुस्त कर दिया बहुत। तो आप ज़रूर अपने बताएं उसके अंदर कमेंट्स के अंदर कि आपका वर्क फ्रॉम होम जो है वो कैसा चल रहा है। लॉकडाउन काफ़ी हद तक उठ गया है, लेकिन क्या आप सब लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्मल हुई हैं या नहीं हुई। के लिए पहुंच गए यहाँ पे, वो शालीमार क्रिकेट ग्राउंड है, अभी आपको दिखाता हूँ जी। तो मैं पहुंच गया हूँ इस वक्त शालीमार ग्राउंड में, ये वो जगह जहाँ पे आमतौर पे मैं आके वॉक करता हूँ। एक जो राउंड है वो तकरीबन 1/2 किलोमीटर का है, तो 6-7 किलोमीटर करने के लिए जो है वो 12-13 राउंड लगाने पड़ते हैं। तो चले आप मुझे ज्वाइन करें, अभी मैं शुरू करता हूँ, फिर मिलते हैं दोबारा। मुबशर हम दोनों ने स्टार्ट किया था ये फिटनेस रजीम, और दैट वेंट वेरी वेल। हम दोनों ने कुछ 10-12 केजी लूज़ किया, लेकिन फिर टाइम के साथ दोबारा हम ढीले पड़ गए। तो क्या प्लान है अभी मुबशर? बस ये COVID-19 की वजह से जो जिम इज़ द बेस्ट वे टू कंटिन्यू, दैट इज द मोटिवेशन टू गो देयर एंड टू एट ऑल द एक्सरसाइजेस मशीन्स, लोगों के साथ उठना बैठना वो एक टेम्पटेशन होती है, बंदा फौरन भाग के जाता है। तो आइडिया ये है कि जब तक जिम ओपन नहीं होते तब तक यहाँ पे आके रनिंग की जाए और अपना जो स्टेमिना है उसको ग्रेजुअली बिल्ड किया जाए, और जैसे ही जिम ओपन होते हैं तो फिर हम शिफ्ट कर जाएं जिम में। क्योंकि मुबशर का भी ख्याल है, मेरा भी ये ख्याल है कि जिम के अंदर जो मोटिवेशन फैक्टर लेवल है वो ज़्यादा होता है और छुट्टियां कम होती हैं, क्योंकि बाहर कभी धूप है, कभी बारिश है, कभी मौसम ठीक नहीं है। जिम के अंदर यू कैन गो, उसके साथ जो दूसरी मशीन्स हैं बॉडी के पार्ट्स, लेट्स सपोज मसल्स को स्ट्रेच करना, पुल करना,
और मशीन्स के साथ खेलना वो दैट इज मोर बेटर देन ओनली टू रन और वॉक। एनीवे यहाँ पे आके जो रनिंग है इसका एक अपना मज़ा है, खासतौर पर चूँकि आफ्टरनून का टाइम है, बहुत सारे लोग हैं, मौसम बहुत अच्छा होता है इस टाइम, हवा चल रही होती है और ख़ासतौर पर ये जो ग्रीनरी है ये बहुत मज़ा करती है। तो एनीवे जिम की अपनी खूबियाँ खामियाँ हैं और आउटसाइड जो रनिंग है या जो वॉक है उसकी अपनी एक टेस्ट है और मज़ा है। तो आप भी इन दिनों इसके अलावा आप छोटे, मेरे पास हमारे घर के पास बहुत छोटे पार्क्स हैं जिनमें एक्टिविटी तो हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलरली जायद आते हैं अराउंड 10 किलोमीटर्स, मेरा भी 5-7 किलोमीटर से हम आके इसी जगह को पसंद करते हैं क्योंकि इसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ओपननेस है, पीछे बेहतरीन सीनिक व्यूज़ हैं, पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, लोग होते हैं, एक्टिविटी होती है, फिर जो थकान होती है सारा दिन ऑफिस की या जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए हम आते हैं और भाग दौड़ करके, तो फिर इट इज़ गुड एक्टिविटी फॉर वन आवर। और इसमें एडिशन ये हो जाता है कि एक तो वॉक भी होती है, दूसरा घुल मिल जाते हैं, एक्टिविटी हो जाती है। हमारा जो दरमियान में रुकने का पर्पज़ ये था कि शाम तक फिर अंधेरा हो जाएगा तो आपके साथ जो गपशप है वो नहीं हो सकेगी, तो अभी इतना काफ़ी है, अभी हम जो दरमियान में ब्रेक ली थी उसको ख़त्म करते हैं, 4-5 चक्कर फिर लगाते हैं, फिर मिलते हैं आप। विल कंटिन्यू। ओके ठीक है। हाँ, जमशेद को भी ले आए साथ अपने ग्राउंड में। अच्छा, यहाँ पे जो माहौल है और जो जगह है तो बहुत ज़बरदस्त है, खासकर वॉकिंग के लिए तो बहुत ही प्यारी जगह। जमशेद, आई थिंक रनिंग इज आल्सो वन ऑफ दी कोई करे तो बहुत एक्टिविटी, गुड एक्टिविटी, बहुत अच्छी बात है, नॉट ओनली वॉकिंग। अगर कोई रनिंग प्रॉपरली नहीं कर सकता तो वॉक भी कर सकता है, वॉक कर सकता है। गुड एनवायरनमेंट, मैं बताना चाहता हूँ कि अब तक की जो आपने कितनी बेहतरीन फोटोज देखी हैं दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ आर ग्रेट ग्रेट कैमरामैन जो कि वॉक तो कर ही रहे थे लेकिन इन बिटवीन हमारे लिए थोड़ी सी इस एक्टिविटी को कवर भी कर रहे थे। आप एकदम फजस ये खूबसूरत सा ग्रीन, लश ग्रीन ग्राउंड देखें और देखें कि कितनी बड़ी तादाद जो है वो लोगों की ये फिज़िकल एक्टिविटी करते हुए नज़र आ रही है। और ये बहुत ही मारगला के पीछे बहुत ही खूबसूरत मंज़र ग़ुरूब आफ्ताब का, लेकिन लोग प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। वट एवर कुछ लोग हैं जो बिल्कुल अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू कीप द डिस्टेंस, बट अदर पीपल दे आर मेंटेनिंग। आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर COVID-19 टू ऑब्जर्व ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स। अभी जाते हैं जाहिद के पास। जी, आज का हमारा ये व्लॉग जो है वो ख़त्म होता है। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा और हमारी ये जो एक नया इनिशिएटिव है फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट करने का वो कैसी है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और इस तरह की अच्छे व्लॉग्स और अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।